अयोध्या में राम मंदिर तो नहीं बन पाया, लेकिन मुंबई में राम मंदिर जरूर बन गया है। दरअसल मुंबई के एक लोकल रेलवे स्टेशन को राम मंदिर का नाम देने से ऐसा बवाल मचा है कि विपक्ष से लेकर सहयोगी पार्टी शिवसेना भी इसका विरोध कर रही है। मुंबई के ओशिवारा इलाके में बना लोकल रेलवे स्टेशन का नाम राम मंदिर स्टेशन रख दिया गया है, जिसकी वजह से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष से लेकर शिवसेना इसका विरोध कर रही है। विपक्ष का कहना है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चलते मुंबई में लोकल रेलवे स्टेशन का नाम राम मंदिर रखना बीजेपी का चुनावी स्टंट है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव से पहले बीजेपी ने यह चाल चली है ताकि इलाके में रहने वाले उत्तर भारतीय वोटरों को लुभाया जा सके। इसके साथ ही बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने भी इसे वोट बैंक की राजनीति बताया है और आरोप लगाया है कि बीजेपी ने उनकी कोशिशों का श्रेय लिया है। तो वहीं आरोपों में घिरी बीजेपी की दलील है कि रेलवे स्टेशन के बाहर बने राम मंदिर के नाम पर ही स्टेशन का नाम रखा गया है। आपको बता दें कि ओशिवरा का यह रेलवे स्टेशन 9 साल में बनकर तैयार हुआ है, जिसमें 4 प्लेटफॉर्म हैं और जिसका उद्घाटन रेल मंत्री सुरेश प्रभु और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक की मौजूदगी में होने वाला है। राम मंदिर स्टेशन का बीजेपी को आगामी चुनाव में कितना फायदा पहुंचाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन स्टेशन के नामकरण से उसकी सहयोगी पार्टी शिवसेना भी काफी खफा नजर आ रही है। देखते रहिए डीवी लाइव।